नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल बाय गार्डन टाइम में। और ये देखिए, ये है मेरा गजानिया का प्लांट। देखिए सूख रहा है थोड़ा सा, इसको जो है मैं इसको पानी भी थोड़ा कम दे रही हूँ, और इसके जो फ्लावर हैं देखिए उनको मैं जो है सूखने दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके बीज जो है वो कलेक्ट करने हैं। वो देखिए, ये देखिए कुछ सूख भी गए हैं देखिए, और अभी भी बर्ड्स आ रही हैं, तो देखिए कुछ आपको दिख भी रहे होंगे कि कुछ जो है वो खिल भी रहे हैं अभी। ये देखिए कुछ बर्ड्स दिख रही होंगे आपको, उसमें येलो येलो सी देखिए जो भी है, देखिए ये भी खिल भी रही हैं और काफ़ी कुछ सूख भी गए हैं। तो जो सूख गए हैं उनको मैं कलर करूँगी, तो वो आपको साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए मेरे पास, ये देखिए, और ये क्या हो रहा है जो आप इसके चारों तरफ देखिए, देखिए जहाँ ग्रीन है वो तो ग्रीन में पत्तियाँ, उसके नीचे देखिए जो पत्तियाँ सूख गई हैं उनको आप, अगर आपको इस प्लांट को रखना है तो उन पत्ती को मतलब आप निकाल लीजिएगा ज़रूर। तो मैं वैसे इनको जो है जो सूख गए हैं उनको मैं अलग कर ले लूँ, ताकि जो है ये जो पौधा है हमारा वो साफ़ हो जाए और इसकी सूखी पत्तियाँ हट जाएंगी, तो ये हेल्दी हो जाएगा प्लांट हमारा। तो इसलिए जो है इसकी मैंने लीव्स जो है जो सूख रही हैं उनको मैं हटाती भी जा रही हूँ साथ साथ में, ताकि जो प्लांट मेरे रुक सकते हैं उनको मैं रोकूंगी नेक्स्ट सीजन के लिए। और बाकी जो मैं इसके जो बीज कलेक्ट करूंगी उसको मैं ग्रो करूंगी। तो देखते हैं कि मतलब कितना जो है मेरा ये सक्सेस जाता है। तो मेन तो ये है कि इनको अभी तो ये रुक ही जाएगा, लेकिन आपको इनको बारिश के समय में स्पेशली ज़रूर बचा के रखना पड़ेगा। तो बारिश में आप थोड़ा सा ध्यान की और केयर करिएगा कि ज़्यादा पानी इनमें ना पड़े, नहीं तो ये जो है इनकी जो जड़ होती है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए मैं इसको, ये देखिए सारा मैंने यहाँ से हटा दिया है, और जो है अब इसको मैं अलग कर रही हूँ ये इस तरह से। ये देखिए अब मैं आपको सीड्स भी दिखाती हूँ कि कैसे जो है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये देखिए मिस्टर का मेरे पास 6 प्लांट हैं इसके। तो देखिए ये है, इसमें से मैं आपको देखिए ये वाला है एक, ये है ये भी, ये देखिए वो तो काफ़ी ख़राब हो गया है। नहीं बस वही है कि मैं इसके सूखने के लिए जा कर रही थी तो काफ़ी कुछ सूखने लगे। देखिए ये देखिए सूख गया, इसको निकालेंगे हम। इसमें देखिए इसकी डंडी भी देखिए पूरी ब्राउन है, तो जिसकी डंडी पूरी ब्राउन होगी इसे कत्थई हो जाएगी, तो समझिए वो प्लांट जो है मतलब उसका जो फूल जो है वो बिल्कुल उसमें जो अच्छी से जो है इसकी सील्स बन गए होंगे। तो वही आप उनको कलेक्ट कीजिएगा, जिस फूल जो जो फ्लावर हैं जिनके साथ उनकी जो डंडी है अगर वो हरी है तो आप उनको बिल्कुल मत तोड़िएगा, क्योंकि वो फिर वो जो है अभी सूखा नहीं है, इसलिए उसको सूख जाने दीजिएगा तभी आप उनको कलेक्ट करिए। देखिए इसकी डंडी दिख रही है आपको हरी, देख रहे हैं आप, तो इसलिए इस तरह का जो मिले आपको फ्लावर दिखेगा उसको मत तोड़िएगा। तो जो सूख गए हैं आप उन्हीं को कलेक्ट कीजिएगा। तो जो सूख गए हैं मैं उनको ही कलेक्ट करूँगी, और जो ऐसे हैं उनको छोड़ दूँगी। देखिए सूख से गए ना, इनको कलेक्ट करेंगे। अब ये है कि इसमें बीज बनते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें जितने भी बीज हों वो सारे हेल्दी हों, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि बस अगर इतने सारे बीज इसमें से निकल रहे हैं तो आपके मतलब वो सारे लग जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो बीज में जैसे थोड़ा सा जो रुई वाला जैसे होता है, जैसे रुई जैसी निकलती है साथ में, लेकिन जैसे रुई जैसा है साथ में कॉटन सी साथ है ये, तो ये वाले जो होते हैं ये बिल्कुल हेल्दी होते हैं। तो बस आप इनको कलेक्ट करके रख लीजिएगा, और नेक्स्ट सीजन में आप इनको अपनी वही गार्डन की मिट्टी और कंपोस्ट और थोड़ी सी रेत उसके साथ जो है आप इसको मिट्टी बनाइएगा, तो उसमें आप इसको जो है ग्रो कर लीजिएगा, और ऊपर से थोड़ी सी कंपोस्ट इस पर डाल दीजिएगा, और बस इसको ग्रो करिएगा। ये ग्रो हो जाएंगे आपके 8 से 10 दिन, लेकिन अभी नहीं, ये अक्टूबर मंथ के अक्टूबर में करिएगा आप, सितंबर लास्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ऐसे करिएगा आप ग्रो, अभी मत करिएगा। तो बस यही छोटी सी केयर है, बस इसी तरह से आप इसको सीड्स को कलेक्ट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स कैसा लगा मेरी वीडियो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्लांट्स का भी ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। ओके फ्रेंड्स, बाय।